हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, Redmi Note 20 5G इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुका है और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या फिर इस स्मार्टफोन को खरीदने से पहले आपको बाकी स्मार्टफोन्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं Redmi Note 20 5G और Poco M3 Pro 5G के फीचर्स के बारे में और कंपेरिजन करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन का। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें Redmi Note 20 5G के डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये कर्व्ड 3D कर्व्ड डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन मिलता है, जैसा कि आपको Poco M3 Pro 5G देखने को मिलता है। दोस्तों, कैमरा डिज़ाइन भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हैं आपको Note 20 5G में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जैसा कि आपको Poco M3 Pro 5G में देखने को मिलता है। आपको फ्लैश भी यहाँ पर इसी तरीके से दिया गया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको Redmi Note 20 5G में देखने को मिलता है, और डिज़ाइन भी आपको लगभग वैसा ही देखने को मिलता है। आइए बात करें इनके स्क्रीन की। Redmi के Note 20 5G में आपको 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और ये रिफ्रेश रेट वेरिएबल होता है गेमिंग में, स्ट्रीमिंग में और वीडियो प्लेबैक में। और दोस्तों, वैसे ही यहाँ पर आपको Poco M3 Pro 5G में भी 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर भी इस डिस्प्ले में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि वेरिएबल करता है मोबाइल गेमिंग में, स्ट्रीमिंग वीडियोज में, स्टैटिक डिस्प्ले वीडियो प्लेबैक में वेरिएबल करता है। तो ऑलमोस्ट जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर सेम ही देखने को मिलता है। और दोस्तों, बात करें इनके कैमरा की, तो यहाँ पर Redmi Note 20 5G में भी आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, और Poco M3 Pro 5G में भी आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। कैमरा डिजाइन इन दोनों स्मार्टफोन का लगभग सेम है। बात करें इनके कैमरा फीचर्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Redmi के Note 20 5G में आपको ट्रिपल कैमरा मिलते हैं। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और बाकी कैमरा आपको 2-2 MP के दिए गए हैं, जो कि इतने खास नहीं होते हैं। और दोस्तों, इसमें एक कमी ये भी है कि यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको केवल फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग ही दी गई है। एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है 720p की, आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर Poco में नहीं है। लेकिन Poco में भी आपको ट्रिपल कैमरास मिलते हैं सेम इसी तरह से, और यहाँ पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, बाकी आपको 2-2 मेगापिक्सल के दो कैमरा मिल जाते हैं। Redmi के Note 20 5G में यहाँ पर केवल एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का, वो भी HD वीडियो क्वालिटी में। अब बात करते हैं दोस्तों इनके प्रोसेसर की। दोस्तों, यहाँ पर Redmi के Note 20 5G में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, और यहाँ पर आपको Dual 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। और बात करें दोस्तों Poco M3 Pro 5G की, तो वहाँ पर भी आपको यही प्रोसेसर मिलता है 700 Dimensity, और यहाँ पर भी आपको Poco M3 Pro 5G में Dual 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में तो ये दोनों सेम हैं। और बात करें दोस्तों Redmi के Note 20 5G में, तो यहाँ पर आपको UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों Poco M3 Pro 5G में भी देखने को मिलती है। और बाकी फीचर्स भी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के सेम हैं, जैसे कि साइड फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक, 3.5mm का ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। और दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Redmi के Note 20 5G में मिलती है 5000mAh की बैटरी, और ये 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स में आपको 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, और जो कि दोस्तों आपको सेम Poco के M3 Pro 5G में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और इस फ़ोन के साथ भी आपको 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है इन द बॉक्स। दोनों के जो रियर कैमराज हैं वो 48 मेगापिक्सल्स के हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के कैमराज 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों OS की बात करें, यानी कि एंड्रॉयड की बात करें, तो यहाँ पर आपको दोनों ही में एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा। Redmi के Note 20 5G में आपको MIUI 12 देखने को मिलता है, जबकि Poco में आपको Poco UI देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको एड्स देखने को नहीं मिलते हैं। Redmi के स्मार्टफोन में आपको ऐड देखने को मिलते हैं, लेकिन Poco के स्मार्टफोन में आपको ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, बस इतना फ़र्क है। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन लगभग सेम फीचर्स के साथ आते हैं, तो अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन से कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा दोस्तों Poco M3 Pro 5G को, क्योंकि वहाँ पर जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो Redmi के स्मार्टफोन से थोड़ा सा बेटर होती है। और दोस्तों, बात करें दूसरे स्मार्टफोन की, तो इस प्राइस रेंज में आपको Realme के स्मार्टफोन मिलते हैं, और Samsung के भी स्मार्टफोन इस रेंज में आप आने लगे हैं।
तो दोस्तों ये था इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल एनजी, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए।